मैं, मेरा नाम मात्री है, मैं संतोष की। प्लाजो तो मैंने पहनता, प्लाजो लेडीज के लिए लेकर आऊंगा, लेडीज के लिए लाऊंगा। महाराज महाराज तू आजकल मैं देख रहा हूँ एल्विस यादव भैया के और जोगिंदर भाई की हो रही है फाइट। फाइनली अभी कच्चा मिल चुका है भाई का पोपट। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने दोनों फोन से ब्लॉक। तू तो फोन देखी यार, खान पीना छोड़ दिलो, ब्याह पे शिवलो छोड़ दिलो, भोपा काम फोले। हम आ चुके हैं रिवर के पास में और यहाँ से हम कर सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग और नए एपिसोड में और नए दिन में। तो गाइस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने गांव से। जैसे कि आपको पता है दो दिन पहले मैं दिल्ली गया था और आज हम गांव में आ चुके हैं। बज रहे हैं 12 और 12 बजे हम जा रहे हैं नहाने के लिए। हमारे साथ है अजय भाई जो कि हमारे साथ कॉलेज पढ़ते हैं। तो फाइनली यार आज हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए नहाया नहीं है, कम से कम मतलब मेरे को ना भाई सही बताऊं मैंने एक हफ्ते से नहीं नहा रहा है और आज मैं नहा ले रहा हूं, नहाता हूं आज मैं। साबुन लेके जा रहे हैं आराम से, एक पूरी टिक्की निमाड़ के आ जाऊंगा आज मैं। गाइज हमारी जो नहाने की लोकेशन है बहुत नज़दीक है क्योंकि नदी जो है हमारे घर के सामने आ गई है। तो इसलिए तो यहाँ से आप ये चेक करो भाई आज का मौसम, यहाँ पर देखो भाई कितने मस्त बादल लग रहे हैं भाई साहब। कल बारिश हुई थी भाई यहाँ, इसीलिए मौसम आज खिल चुका है। पता आप आजकल कौन सी ऋतु है यार? ये बसंत ऋतु, तभी तो ये इतने पत्ते वत्ते खिल गए देखो भाई सब जगह। और यहाँ से देखो भाई क्लियरिटी चेक कर लो एक बार। अब ये मक्खी क्या आगे भूम कर रही है जो उठ। चलो कंटेंट मिल गया। हाँ तो भाई अभी हम आपको इंट्रो गाते हैं अजय भाई का। अजय भाई का नाम है। अभी आ चुकी है कोसी नदी, ये हम तैर रहे हैं इसको आराम से। ओए होए पता यार गांव में ना रहने का अलग ही मजा है यार, यहाँ की वाइब, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का मजा इंजॉय है ना भाई, एडवेंचर करते हैं पूरे यहाँ पे। और यहाँ पर कोई चूल्हा बना रखा देखो आग तापने के लिए। तू सान पानी नहाएगा कोसी में? भाई ये जो पेड़ है ना कुबेर के घर के आम का पेड़ था और यहाँ पर कुबेर का घर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरी नदी आ गई ना, आपने देखी होगी पिछली वीडियो मेरी मेरे चैनल पे है ना। मैं बताना चाहता हूँ भाई इससे पहले आपने जो ब्लॉग देखे थे वो थे ओप्पो रहने 6 के और आप जो ब्लॉग बना रहा हूँ भाई ये वाला मैं बना रहा हूँ मैं वन प्लस नॉट सी 5 लाइट 5G। भाई इतना लंबा नाम है कि लेने में ही फट रही है। तो मुझे एक बार कमेंट करना कि भाई क्लियरिटी कैसी आ रही है। और ये फोन है मेरे रम्मी दा का और वो वाला फोन मैंने अपनी बहन से लिया था, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है इस वाले ब्लॉग में। सो गाइस अब तक जिसने ब्लॉग देख देना भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर करना मेरे लिए भाई प्लीज यार, अगर मेरे से प्यार करते हो तो। भाई देखो ये आई लव यू अम्मा नहीं बोलती थी को। तो गाइज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मैं शूट कर रहा हूँ वन प्लस से और इससे पहले वाले ब्लॉग थे जो वो थे ओप्पो रेनो 6 से। गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप कमेंट करो कि आपको क्लियरिटी किसकी अच्छी लग रही है। अगर आप जो कमेंट करोगे ना कि भाई ओप्पो रेनो 6 बेस्ट है तो मैं उसको चलाऊंगा और आप बोलोगे अगर वन प्लस बेस्ट है तो मैं उसको यूज करूंगा। तो देखते हैं कमेंट किसके ज्यादा आते हैं, अगर जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे तो वाला फोन मैं डेली यूज करूंगा और आपके लिए ब्लॉग उसी से लाऊंगा, ठीक है भाई। कमेंट जरूर करना यार भाई, कसम से कह रहा हूँ, वहाँ कसम दिल से कर देना यार कसम। मेरा कच्चा गिर गया, मैं कहाँ गिरा हैं? लाया था कच्चा तू? हाँ और क्या। अबे यार दूसरा कच्चा नहीं तेरे पे? अबे दूसरा कच्चा क्या, एक है ना एक लाया था। तो गाइस अभी पोपट हो गया हमारा, कच्चा हो गया। अबे यार चल जल्दी राउंड मार, क्या बैठ गया बैठा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। गाइज प्लीज कमेंट करना यार कि वन प्लस बेस्ट है कैमरे में या फिर वो ओप्पो रेनो 6, ठीक है, फिर हम वो यूज करेंगे। ब्लॉग है हम इसी उसी फोन से लेके आएंगे जो बेस्ट लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने फोन लिया था ओप्पो रेनो 6 क्लियरिटी के लिए, ठीक है भाई। अगर क्लियरिटी इसमें अच्छी होगी तो मैं उसी को यूज करूंगा, अगर आप बोलोगे वन प्लस बेस्ट है तो वन प्लस बेस्ट है। और तो गाइज अब बात हो चुकी है पूरी कम्प्लीट, भाई फोन का तो डिसाइड कर ही लेंगे हम ब्लॉग में वो भी कमेंट के द्वारा। फिलहाल मित्र का जो है कच्चा गुम हो गया यार, एक काम करता हूँ मैं भी जाता हूँ ढूंढने के लिए, इसको यही रखता हूँ। मेरा खोया है ये, अभी मैं भाग रहा हूँ। अरे मिला, ओए अबे यार वहां चले गए भाई, इतने दूर चले गए ना वहां, देखो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे चले गया, वहीं पे नहाऊंगा आराम से। अबे यार ये क्या क्या लेके आ रखा है, बाल्टी फाल्टी पता ना क्या क्या ला रहे हो, खंजर कहीं गिर ना जाए। उबड़े गाइस पोपट हो गया, उसका कच्चा खो गया।
तो गाइस भाई अब हम दिखाएंगे आपको नहा के कि हम कैसे इंजॉय करते हैं अपने गांव के रिवर में। तो फाइनली गाइस कच्छा ढूंढने गया मेरा भाई, पता नहीं कब तक आएगा। ये हम आ चुके हैं पानी में, ये बहुत छोटी नदी है वैसे, देखो दिख रही है ना। आ गया, मिल गया। वहां गया, अरे वाह। तो गाइस फाइनली अभी कच्छा मिल चुका है, भाई का पोपट कटने से बच गया। कितने कच्छे थे? 100 रुपए का? 150 रुपये देगा। तो भाई देखो मेरी बॉडी थोड़ा कम हो गई है क्योंकि मैंने जिम करना छोड़ दिया ना। वैसे स्टार्टिंग कब कहते मैंने ये नहाने की, और कम से कम एक हफ्ते बाद तुम्हारा भाई नहा रहा है तो कुछ तगड़ा नहाएगा आराम से। चलो भाई प्लान चेंज हो चुका है, हम जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए, कपड़े यहीं पे रख रहे हैं, ठीक है भाई? क्योंकि वहां से यहां तक आओ नहाने के लिए, अगर हम इस कोसी में नहाएंगे तो क्या मजा आएगा यार शाम को। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर ले आएगा बमंडर रेते के टिल्लों में। भाई देख पता क्या होता आजकल मैं देख रहा हूँ एल्विस यादव भैया के और जोगिंदर भाई की हो रही है फाइट तगड़ी। पता नहीं क्या चल रहा है भयंकर की यूट्यूब में उनका, कभी कह रहा है जोगिंदर फिर से आ गया, बमंडर ला दूंगा, एल्विस हिला दूंगा। क्या यार, क्या मतलब, एक होता है कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तगड़ी यार। पता है हम करते हैं एल्विस यादव भाई को जो है ना, भैया को जो है कट्टर हिंदू बोलते हैं जो, उनको हम करते हैं फॉलो। भाई भाई मेरे को तो अच्छा लगते हैं यार कसम से, मस्त बंदे। अगर मेरा ब्लॉग एल्विस यादव भैया देख रहे हैं तो भाई देख लो, तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूँ। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर ने लगा बमंडर हिला कर रख देंगे भैंस की डांग। और भाई मैं दो वर्ड कहना चाहता हूँ बाबू भैया के लिए, था UK 07 राइडर के लिए, जिन्होंने इंडिया के नंबर वन मोटे ब्लॉगर बन गए भाई। हो भाई पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन में नहाने के लिए, अबे नहाएंगे यहाँ ही नहाएंगे, जहाँ भी नहाएंगे आ जाओ जल्दी ला। बॉल आ गई भाई शाम के क्रिकेट खेलने के लिए। अबे लेमेंट्रीस आ गई है, लाइए इधर फेंकी जरा। भाई गाइस फाइनली बॉल मिल गई टाइटल में। बेटा देखा टाइमिंग कैसी है हमारी, ऐसी टाइमिंग पे आए ना भाई कि हमें बॉल मिल गई यहाँ पे। बंदा भी नहा रहा है आराम से, ये देखो भाई। सो गाइस फाइनली यार नहा लिया है भाई, हम आ गए थे नहा धो के आराम से घर पे, और लाइट ना होने की वजह से मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई। तो अब जाके मैंने फोन चार्ज किया है, अब मैं जा रहा हूँ घर पे, अभी खाना वाना खाएंगे फिर चलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है संतोष भाई, जैसे आइडिया ना SK दीपेश करके 28, तो वो कमेंट करता कि पब्लिक को एक शॉर्ट्स मांगती है, मतलब क्रिकेट का ब्लॉग बनाओ, तो आज तुम्हारी ये भी तमन्ना पूरी कर देंगे। फिलहाल भाई यहाँ से निकलने की सुविधा देखते हैं। ओ जहाँ पर मैं सुबह आया था ना कीचड़ में, वहीं भी दोबारा आ गए, लेकिन इस बार मेरे पास चप्पल है भाई। भाई देखो डेली ब्लॉग बनेगा तो आपको ऐसी दिखेगा, जो मैं रोज कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ ब्लॉग में दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए भाई बोर मत होना, आराम से वीडियो को एंजॉय करो। मुझे नहीं पता कि अभी मेरी वीडियो आप कैसे देख रहे हो, लेटे हो या सो रखे हो या कोई खाना खा रहा होगा या फिर कुछ कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे भी ना भाई देखते रहो, ठीक है? फिलहाल अभी यहाँ से दोनों भाई आ चुके हैं, और अब जैसी वीडियो मतलब बना रहा हूँ ना, कंटेंट चाहिए भाई हमको, लेकिन कंटेंट हमें मिल चुका है और घर के आगे आ चुके हैं। अंकल जी राम राम। और अंकल जी कहाँ से आ रहे हो? अरे इधर से आ रहे हैं। क्या हाल है, हाथ में मिला लो। बढ़िया यार। और क्या बेच रहे हो तुम्हारे? कुर्ती पिला जो। हाँ? कितने का पीस है? 350। होलसेल या रिटेल में? रिटेल में। अंकल जी मिले और अंकल जी ने यहाँ पर मतलब कुछ बेच रहे हैं, सूट बेच रहे हो ना तुम? हाँ, सूट। अबे जो फाइनली यार अपन आ गए। मेरा नाम इकराम अली मेहंदी। तो भाई देख लो आज से अंकल जी को पहचान कर लेंगे। अच्छा, मेरी वीडियो कम से कम 2-3 लाख लोग देखते हैं। अच्छा, 3 लाख लोग देख लेंगे आराम से आपको। अच्छा तो गाइस जो भी लौंडे देख रहे हो गांव के, अंकल जी आपके लिए टी शर्ट लेके आना बहुत जल्दी। टी शर्ट और लोवर बढ़िया वाली आ गए, ऐसे लाओ ना कि 500 के 3 पीस। हाँ, ऐसे लेके आऊंगा, ऐसे में लेंगे ना इकट्ठे। अब एक लेंगे हम 300 रुपए का, उसमें हमारा खुद नहीं बचता। 5 लेके आऊंगा, 3 पीस 500। और सुनो ब्लैक कलर बढ़िया लाना, बढ़िया ब्लैक शर्ट भी बढ़िया लाऊंगा, तुम्हारी भी प्लाजो भी लोवर भी सब बढ़िया। प्लाजो तो मैंने पहनता, प्लाजो लेडीज के लिए लेके आऊंगा ना। लेडीज के लिए हमारे लिए लाना टी शर्ट और लोवर ले आओ, बढ़िया स्पोर्ट्स वाली मैच खेलने के लिए मस्त। ठीक है, ओके भाई, ठीक है।
यो कुत्ता हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहा, इधर आ। तो गाइस अंकल जी मिले थे हमें, अंकल जी पता नहीं अभी कुर्ती वर्ती पलाजो मलाजो बेच रहे हैं, मेरे से कह रहे तुम्हारे टी शर्ट और लोबर लेके आऊँगा। मैंने कहा 500 के 3 लेके आने वो वाले। अब कौन ले रहा टी शर्ट वीशर्ट, मजाक करो लौंडा तुमसे, मैं कुछ नहीं ले रहा। और मैंने बोला 3 लाख लोग देखते हैं, सारा 200 व्यू आ नहीं रहे हैं और 3 लाख लोग देखने की बात कर रहा हूँ। और अभी हम खाने की व्यवस्था करते, पहले खाना वाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है यार। खाने के लिए क्या है आज? खाना लेके जल्दी। क्या दिमाग ठीक है? हाँ यार 3 बज गई ले गया तो खाना। वो होटल वालों को ही है कि लंच का टाइम निकल गया? हाँ लंच तुम्हारा 3 बजे तक होता है। चल खाना लेगा गरम करके, लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मैं नहीं खा रहा गाइस, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा कुछ नहीं, सही कह रहा हूँ मैं नहीं खा रहा कुछ नहीं, देखता हूँ खाता नहीं खाता हूँ। फोन को नहीं सुना रहा भाई, मैं ऐसे ही बोल लिया खाना मिलता क्या, वीडियो बना रहे थे ऐसे बोल फिर। यहाँ पर दो लोग बैठे आराम से और ये गर्मी गर्मी हो रही है ज्यादा ही। अच्छा हे गाइस, मेरा नाम हिमाद्री है, मैं संतोष की फ्रेंड हूँ। देखो संतोष ने अभी बोला था मैं खाना नहीं खाऊंगा और अभी देखो भात पकड़ के खाने पे लगा। संतोष की भाभी, अभी देखो संतोष ने बोला था मैं खाना नहीं खाऊंगा, अभी अभी देखो कितना खाना खाने लग गया ये। तो गाइस देखो अभी अभी संतोष ने बोला था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और अभी अभी देखो कितना सारा खाना खाने लग गया ये। बात करते कर हमसे डिसीजन करके, किल्ली ऐसे करे ऐसे हाथ कर उसको किल्ली कैसे गिर रही है, रिएक्शन लाना रिएक्शन, कुछ तगड़ा कराना तेरे को आज। आड़ नहीं सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और जैसे कि मैंने बोला था आज हमारा क्रिकेट का मैच होने वाला है तगड़ा। अच्छे अच्छे शॉट्स दिखेंगे आपको, बॉलिंग दिखेगी, बैटिंग दिखेगी, फील्डिंग दिखेगी और आपको साथ ही साथ ब्लॉगर भी दिखेगा। तो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है दोनों जगह एंगल हो रहा है, वहाँ से भी शूट हो रहा है यहाँ से भी शूट हो रहा है। तो कमेंट करो भाई कौन से फोन की क्लैरिटी अच्छी लग रही है। और अभी यहाँ पे ये भैया खेल रहे हैं मैच और कुलदीप भाई जो बॉल कर रहा है और एक ब्लॉग वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है मेरा और एक इस वाले फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है। विकेट का मारना विकेट भाई, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने दोनों फोन से ब्लॉग बनाया, लेकिन आज मैं दोनों फोन में शूट कर रहा हूँ, वो हो रहा है ओप्पो 6 से और ये हो रहा है 1+ से, तो देखते हैं क्या होता है। नो बॉल भैया फोड़ दिया था मुंडी इसने तो। ये बॉल है, शॉट नहीं लगी।